गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम सुमन है और मैं बीए ग्रेजुएट हूँ। और मैं एक पहले मैं एक टीचर थी प्रतिन सेठ विद्यालय में, और मैंने उसमें 3 साल काम करा है। और मैंने छोटे बच्चों को पढ़ाया है, जूनियर बच्चों को पढ़ाया है, और मुझे छोटे बच्चों का पढ़ाने का एक्सपीरियंस बहुत है। और उनके साथ जब मैंने प्रतिन में 3 साल काम करा है, तो उसमें मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और प्लस में बच्चों के साथ पढ़ाने का मुझे इतनी खुशी मिली छोटे बच्चों के साथ पढ़ाने में। मैं लाइफ में छोटे बच्चों को ही पढ़ाना चाहती थी और एक जूनियर टीचर बनना चाहती थी। और मैंने उसमें 3 साल पढ़ाने के बाद फुल एक्सपीरियंस लिया। उसके बाद मेरी शादी हो गई, शादी के बाद मैंने वो जॉब रिज़ाइन कर दिया था, छोड़ दिया। उसके बाद फिर मैंने ऑफिस ज्वाइन करा, ये आधार, मैं आधार में काम करती हूँ, जिसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन फॉर अवेयरनेस डेवलपमेंट ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम होता है मेरा। इसके मैं अंदर में एक एमएनए की पोस्ट हूँ, मैं कम अकाउंटेंट का काम करती हूँ मैं। प्लस मैं अपना जो मेरा यहाँ ऑफिस वर्क का जो काम है वो मेरा माइग्रेंट के ऊपर है, जिसमें मैं सारा डेटा जो है वो अपने कंप्यूटर में चढ़ाती हूँ, नई डेटा एंटर डाटा एंट्री का काम करती हूँ इसके अंदर। प्लस मैं यहाँ पर मॉनिटरिंग भी करती हूँ, और यहाँ का एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा इस ऑफिस में काम करके। इन फ्यूचर मैं लाइफ में अब ऑफिस वर्क काम करना चाहती हूँ कोई अच्छी पोस्ट पर, और सेटलमेंट अच्छे से कहीं और अच्छी जगह होना चाहती हूँ। प्लस में मैंने मैजिक बस में भी काम करा है, जिसके अंदर मैंने बच्चों को खिलाया है और उसमें मैंने खुद भी खेला है। मैंने नर्सिंग भैया के अंडर में काम करा है, 1 साल उनके अंदर काम करा है। मुझे उसके कोई मतलब पैसे वगैरह नहीं मिलते थे, बस मैंने उसके अंदर बहुत कुछ सीखा है। मैंने उसने लाइफ में क्या कैसे बनना है, कैसे लाइफ को बनाना है, और लाइफ में कैसे मतलब स्पोर्ट्स से कैसे आगे बढ़ना है वो मैंने सीखा है। उनके साथ रह के खेला है, कूदा है बहुत, और बहुत एक्सपीरियंस सीख लिया मैंने उसके अंदर खेल के द्वारा। और बहुत सारे लोगों से मेरी नई जान पहचान भी हुई थी, और आज भी मैजिक बस चल रहा है, बट मैं उसके अंदर नहीं, बट मेरा नाम अभी भी अगर कोई बोले तो उसमें चलता है, नाम जानते। जब मैजिक बस खाली में नया नया था, तब मैंने उसकी फर्स्ट ट्रेनिंग ली थी यहाँ पर 3 दिन की। उसी ट्रेनिंग से मैंने 1 साल उसमें काम भी करा है, और आज भी अगर मैं मैजिक बस में अगर काम करने का मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर भी करूँगी। और आज भी अगर मैजिक बस में खेलने को मैं चाहूँ तो जाती भी हूँ खेलने, और जा भी सकती हूँ। बस ये कि अपने ऑफिस वर्क में थोड़ा बिजी हूँ मैं भी काम में, इसलिए नहीं जा पा रही हूँ, पर इन फ्यूचर में जाऊँगी खेलने को। तो